बात करेंगे एक बड़ी खबर से। अवैध खनन पर ताबड़तोड़ छापर माही, उप जिला मैजिस्ट्रेट के नेतृत्व में छापेमारी हुई है। आधी रात मौके पर पहुंचकर इसे अंजाम दिया गया। एक साथ सात ट्रैक्टर ट्रॉलियों किया गया जब्त। कार्रवाई से हिली माफियों की जमीन। तो आधी रात मौके पर पहुंचकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एक साथ सात ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त भी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लश्कर अवैध खनन पर ताबड़तोड़ ये छापेमारी। तो उप जिला मैजिस्ट्रेट ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध खनन पर ये छापेमारी, कार्रवाई से हिली माफियों की जमीन। तो आधी रात को इस कार्रवाई को अंजाम दिया, सात ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त भी किया गया है। आपको तस्वीरें दिखा रखे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आधी रात मौके पर पहुंचकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उप जिला मैजिस्ट्रेट के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सात ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त भी किया गया है। ये तस्वीरें उन ट्रैक्टर ट्रॉलियों की। तो कार्रवाई से हिली है माफियों की जमीन। एक साथ सात ट्रैक्टर ट्रॉलियों किया गया है जब्त। उप जिला मैजिस्ट्रेट के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई है। आपको तस्वीरें भी साथ ही साथ दिखा रहे हैं। अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि यह बड़ी खबर सामने आई, अवैध खनन पर ताबड़तोड़ छापेमारी की यह खबर, क्या कुछ आपके पास जानकारी? देखिए, ये उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक गुप्त सूचक तंत्र अपना जो है व्यक्तिगत रूप से क्षेत्र में फैलाया हुआ है, जिनके द्वारा ये रात में भी सूचना दी गई थी और पिछली जो तर्ज की बात ही है उसी तर्ज पर इस बार भी कार्यवाही हुई है। ये तकरीबन 1:30 बजे की घटना है जिसमें उप जिला मजिस्ट्रेट अपने प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर पहुंचे और नदी के जो आसपास है वहां एरिए को उसका घेराव करते हुए इन पर धरपकड़ जो है इनकी की गई है। और मौके पे इसमें सात ट्रैक्टर ट्रोलियां जो कि आरबीएम यानी कि कोल पत्थर की जो एक बेशकीमती खनिज सामग्री मानी जाती है उससे भरी हुई, इससे लदी हुई सात ट्रैक्टर ट्रॉली मौके पे ही जब्त की गई है। यहाँ उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ये भी कहा गया है कि मौके पे जब हम पहुंचे तो गंगा में धसाव और पानी की ज्यादा होने की वजह से वहां पे जो दो मौके पे जेसीबी थे, जेसीबी मशीनें थी, वो वहां से साथ ले जाने में जो है खनन माफिया जो है कामयाब हो गए। लेकिन अभी भी इसमें जिस भी खनन माफिया का संबंध, क्योंकि इसमें कुछ गुप्त सूचना ऐसी भी प्राप्त हो रही है जैसा उप जिला मजिस्ट्रेट बता रहे हैं कि इसमें किसी न किसी स्टोन क्रेशर मालिक और भू माफिया का भी इसमें संबंध है, तो उसे कंगालने में प्रशासनिक टीम जुटी हुई है। अमित, ये काफी ज्यादा मात्रा में सात ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की गई है, इसका मतलब ये अवैध खनन लंबे वक्त से चल रहा था। देखिए, जिस तरीके से उच्च न्यायालय द्वारा खंडपीठ द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि पूर्ण रूप से इस पे प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह है कि प्रतिबंध के बावजूद देखिए अवैध खनन की जो है ना तो इस तरीके की कोई संरचना कर पाता है। अगर प्रशासन अपने स्तर पर इस तरीके की मुस्तैदी बरकरार रखे तो इस तरह की घटनाओं पर अंकुश स्थापित किया जा सकता है, लेकिन ये तो अचानक हुई घटना है कि अवैध खनन हो रहा था। यहाँ सवालिया निशान प्रशासनिक कार्रवाई पर भी उठता है कि आखिर इस चीज में पूर्व से ही एक तैयारी क्यों नहीं होती। जिला मजिस्ट्रेट को उनके गुप्त सूचक तंत्र के जरिए भनक लगी कि क्षेत्र में बाणगंगा नदी के तटीय इलाकों में गोल पत्थर संबंधित महंगे खनिज की अवैध तस्करी भारी मात्रा में की जा रही है। सूचना पाते ही उप जिला मैजिस्ट्रेट एक्शन मोड में आ गए और आधी रात 2 बजे मौके पर जहां पहुंचे तो इस दौरान प्रशासन की धमक से अवैध खनन की गतिविधियों को अंजाम देने में मशगूल माफियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं इस दौरान उप जिला मैजिस्ट्रेट और उनकी टीम मौके पर ही पहुंची, साथ अवैध खनन सामग्री से लदी हुई ट्रक ट्रॉलियों को जब्त भी किया। हालांकि इस दौरान उनके चालक भी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए थे। तो ये अक्सर से आपको तस्वीरें दिखा रहे, उप जिला मैजिस्ट्रेट के नेतृत्व में ये छापेमारी हुई आधी रात। एक सूचना मिली थी कि ब्रह्मपुर और नहनपुर के सीमा में बाणगंगा में अवैध खनन की कार्रवाई चल रही है और जीसीबी मशीन से अवैध खनन हो रहा है। तत्काल यहाँ से टीम मूव कराया गया, मौके पे जीसीबी मशीन प्राप्त नहीं हो पाई, सात ट्रैक्टर जो कि आरबीएम से भरे हुए मौके पे पकड़े गए और उन्हीं सभी को सीज करके उनकी चालानी कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इस तरह की जो भी अवैध खनन की कार्रवाई भी लगातार इस प्रकार है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर प्लास्टिक कैन बेचने वाले छोटे व्यापारियों ने नगर निगम कार्यालय में धरना दिया।
नाराज व्यापारियों ने नगर निगम प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम के अधिकारी प्लास्टिक बैन के नाम पर छोटे दुकानदारों का उत्पीड़न कर रहे हैं। पॉलिथीन और प्लास्टिक कैन बेचने वाले किसी भी बड़े व्यापारी पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, लेकिन छोटे दुकानदारों का सामान जब्त कर उन्हें चालान काट दिया गया है। नाराज दुकानदारों का कहना है कि अगर प्लास्टिक कैन प्रतिबंध हो तो प्रशासन को गंगा जल ले जाने के लिए सस्ता और अच्छा विकल्प देना चाहिए। अगर गंगा जल कैन बंद है तो पूर्णतः आप उसे बैन करो और बड़े फैक्ट्रियों को बंद करो, ना कि नीचे की टहनियां बंद करो, ना कि नीचे की टहनियां बंद करो। आप कंपनी बंद कर दो, माल नहीं बिकेगा, ठीक है। ये नहीं होता है कि आप किसी का माल छीनो, उससे पैसा ऐठो और माल छोड़ दो, अपनी जेब गर्म करो, ये गलत है, ठीक है। और अगर कैन बंद है तो आप किसी को भी माल मत दो, पूर्णतया बंद कर दो। और हम यहाँ सब परिवार के साथ बैठे हुए हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? यहाँ टैक्स, ये तनख्वाह किस चीज़ की ले रहे हैं? पब्लिक से ले रहे हैं ना, तो पब्लिक की सुनते ना यहाँ बैठ के। क्या कार्रवाई करोगे? हम यहाँ बैठे रहेंगे, नहीं सुनेंगे तो हम ऊपर तक जाएंगे। अगर गंगा जल कैन बंद,